निकोल प्रिज्म एक ऐसा डिवाइस इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करते हैं और उसका एनालाइज़ भी करते हैं निकोल प्रिजम एक कैल्साइड क्रिस्टल से बनता है जो कि एक डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल होता है और हम जानते हैं कि डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल पर अगर एक ऑर्डनरी लाइट इंसिडेंट हो ऑर्डनरी अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट हो तो वो क्या करता है कि उस ऑर्डनरी इंसिडेंट रे को दो रे में स्प्लिट करता है ऑर्डनरी रे और एक्सटर्नरी रे दोनों ही रे प्लेन पोलराइज होता है जो ऑर्डनरी रे होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ कैल्साइड क्रिस्टल का होगा और uh, जो एक्सटर्नरी रे होगा वो प्रिंसिपल सेक्शन के पैरेलल या फिर उस प्लेन में होगा इस निकोल प्रिज्म को डिजाइन किए थे साइंटिस्ट विलियम निकोल और उन्हीं के नाम पर यह डिवाइस को निकोल प्रिज्म कहा गया तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि हमने कहा कि एक डब्ल्यू फ्लैटिंग क्रिस्टल पर अगर अनपोलराइज लाइट फॉल करता है तो वो दो रे में तब्दील होता है या स्प्लिट करता है ऑर्डनरी और एक्स्ट्रॉडनरी तो हम इसमें क्या करते हैं कि ऑर्डनरी रे को हम उस क्रिस्टल से बाहर नहीं आने देते हैं उसको बाय द प्रोसेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसको क्या करते हैं कि रोक लेते हैं और एक्स्ट्रॉर्डनरी रे जो कि प्लेन पोलराइज है वो बाहर आता है और इससे क्या होता है कि प्लेन पोलराइज लाइट का प्रोडक्शन होता है और इससे हम लोग उस पोलराइज लाइट को एक और निकोल प्रिज्म लगाकर उसको क्या कर सकते हैं हम लोग उसको एनालाइज भी कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसका कंस्ट्रक्शन निकोल प्रिज्म का कंस्ट्रक्शन प्रिज्म एक रोम्बोहैड्रल सेप का कैल्साइट क्रिस्टल है जिसका जो विड्थ होता है वो लेंथ से तीन गुना कम होता है या ऐसा कहा जाए कि जिसका जो लेंथ है दैट इज़ थ्री टाइम्स इट्स विथ तो ये देख सकते हैं इस तरह का एक क्रिस्टल है जो कि रोम्बोडल सेप का है यहाँ पर हम देख सकते हैं जो प्रिंसिपल सेक्शन है ए बी सी डी उस पर यहाँ पर ए पर और सी पर एंगल कितना होता है दैट इज़ सेवेंटी वन डिग्री तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि इसको ग्राउंड करके पॉलिश किया जाता है और जो प्रिंसिपल सेक्शन पर एट ए और एट सी जो एंगल सेवेंटी वन डिग्री है उसको कम करके क्या करते हैं हम लोग उसको सिक्सटी एट डिग्री करते हैं या कर दिया जाता है अब ये हमारा प्रिंसिपल सेक्शन है जहाँ पर यह जो एंगल है ये यहाँ पर और यहाँ पर ये यह दोनों 71 से 68 डिग्री कर दिया गया है उसके बाद क्या किया जाता है कि जो प्रिंसिपल सेक्शन के परपेंडिकुलर और ए बी और सी डी के परपेंडिकुलर प्लेन से इस आ, क्रिस्टल को इस क्रिस्टल को काटा जाता है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल सेक्शन एज वेल एज टू दाइड्स ए बी डैस एंड एडस dash or AB dash and डैस dash सीडैस डिडैस यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री होता है और ये एंगल भी 90 डिग्री होता है इस दोनों को काट दिया जाता है और काटने के बाद फिर से दोबारा जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसपेरेंट सीमेंट जिसको कहते हैं हम लोग कैनाडा बालसम क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट सीमेंट से जोड़ा जाता है तो फिर जोड़ने के बाद जो पहले वाली स्थिति थी ठीक उस तरह का ट्रांसपेरेंट ये रहता है और यह पहला वाला स्थिति आ जाता है अब क्या है कि एक अनपोलराइज लाइट मान लीजिए एस एम इस एंड फेस पर क्या होता है इंसिडेंट होता है हमारा ये जो फेस है हम उसको क्या करते हैं ब्लैक कर देते हैं सो दैट की जो भी यहां से रे आएगा वो इसमें एब्जर्व हो जाएगा तो अगर जो रे दैट इज एस एम आया एंड टू बी डैश या डैश डी डैश इस तरह का अगर है तो क्या होगा कि यहां पर आने के बाद ये दो रे में स्प्लिट करेगा चूंकि डबल ही रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल है तो ऑर्डनरी रे में स्प्लिट करेगा और ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रे में स्प्लिट करेगा जो वाइब्रेशन ऑफ ई रे जो होगा दैट विल बी पैरल टू द प्रिंसिपल सेक्शन और इन द प्रिंसिपल सेक्शन और जो वाइब्रेशन ऑफ द ऑर्डनरी रे होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्रिंसिपल सेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड कहा जाए तो अब क्या है जो कैनडा बाल्सम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है मिडवे होता है या बीच में होता है किसके किसके द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल फॉर एक्सट्रॉडरी रे एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल फॉर द ऑर्डिनरी रे यानी अगर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैनाडा बालसम अगर हम यू भी कहें इसको तो दैट इज 1.55 पॉइंट फाइव फाइव एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैलसाइट क्रिस्टल फॉर ओ रे म्यू ओ दैट इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स फाइव एट एंड फॉर ई रे म्यू ई दैट इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर एट सिक्स और ये किसके लिए फॉर सोडियम लाइट हैविंग एवरेज वेब लेंथ ऑफ फाइव एट नाइन थ्री एमस्टॉन्ग हम देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कैनाडा बाल्सम का मिडवे है यानी म्यू ओ फॉर कैल्साइड क्रिस्टल और म्यू ई फॉर कैल्साइड क्रिस्टल के कहीं आ, बीच में है अब ये भी जानते हैं हम कि आ, अगर एक रे ऑफ लाइट ट्रैवल करता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम तक तो अगर एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से अगर अधिक होगा तब इन दैट केस अगर जो रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेरर मीडियम में अगर ट्रैवल करता हो तब क्या होगा दैट रे विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम तो यहां पर क्या होता है कि इस ये रे यहां पर दो भाग में बटा ई रे और ओ रे में और यहां पर चूंकि ये ओ रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.658 और करनाडा बालसम का है 1.55 तब क्या होता है कि ओ रे यहाँ पर आने के बाद अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अधिक है जो कि हम लोग इस तरह से सेट करते हैं या सेट किया जाता है कि यहाँ पर यह उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अधिक हो तब द ओ रे विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड और यहाँ पर आने के बाद यहाँ टकराता है कैनाडा बालसम में कैनाडा बाल्सम का जो रिफ्रैक्टिव uh, इंडेक्स है वो 1.55 है जो कि कैल्साइट uh, के क्रिस्टल का ओरे के लिए 1.658 से कम है यानी दैट इज द कैल्साइट द कैनाडा बाल्सम इज ऑप्टिकली रेयर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओरे फॉर कैल्साइट तब क्या होगा इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और यहां पर चूंकि ब्लैक सरफेस ऑलरेडी बना हुआ है तो ये यह यहां पर आके क्या करेगा एब्जॉर्ब हो जाएगा और जहां तक ई ई ई रे 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 का बात है द द फॉर इंडेक्स क्या है फॉर कल्साइड क्रिस्टल इज लेस देन कैनडा वालसम तो कैनेडा वालसम एक डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करेगा फॉर ई रे के लिए तब क्या होगा यहां से आने के बाद ये यह, यहां से रिफ्लेक्ट होके रिफ्रैक्ट होके ट्रांसमिट होके ये निकल जाएगा एंड दिस विल बी प्लेन पोलराइज लाइट सो इस प्रोसेस से एक रे को हम इंटरनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या किए खत्म कर दिए या ट्रांसमिट करना नहीं दिए और दूसरा रे को ट्रांसमिट करने दिए दोनों प्लेन पोलराइज था तो हमारे पास क्या हुआ एक रे प्लेन पोलराइज लाइट का बना जो कि एक्स्ट्रा रे है और जिसका वाइब्रेशन इस प्लेन ऑफ द प्रिंसिपल सेक्शन में है या पैरल टू द प्रिंसिपल सेक्शन में है ऑल्सो क्रिटिकल एंगल विल बी क्रिटिकल एंगल थीटा सी विल बी साइन इनवर्स 1.55 पॉइंट फाइव फाइव बाई वन पॉइंट सिक्स फाइव एट और ये लगभग सिक्सटी नाइन डिग्री का होगा यह इसलिए क्योंकि हम जानते हैं अगर दो मीडियम है और यह मान लेते हैं रेयर मीडियम है और यह मान ले डेंसर मीडियम है तो अगर एक रे इधर से डेंसर टू रेयर रे में आया तब क्या होगा कि इट तो विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये मान लेते हैं थीटा वन है ये मान लेते हैं थीटा टू है इन दैट केस बाय बायस लॉ साइन थीटा वन बाई साइन थीटा टू विल वी भी वन बाई वी टू दिलिसिटी ऑफ इट्स इन दिस मीडियम एंड दैट मीडियम और इसको हम लोग लिख सकते हैं v1 वन बाई सी बाई वी टू और ये हो जाएगा 1 बाई म्यू वन बाई वन बाई म्यू टू और साइन थीटा वन बाई साइन थीटा टू दिस विल बी इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन और फॉर क्रिटिकल एंगल थीटा सी थीटा टू या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री और साइन थीटा सी बाय साइन 90 विल बी इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन और इस केस में साइन थीटा सी क्या हो जाएगा म्यू टू यानी वन पॉइंट फाइव फाइव और म्यू वन यानी वन पॉइंट सिक्स फाइव एट तब क्या होगा थीटा सी विल बी साइन इनवर्स वन पॉइंट फाइव फाइव बाई वन पॉइंट सिक्स फाइव एट और ये नियरली सिक्सटी नाइन डिग्री देगा सो so, uh, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 69 नाइन डिग्री या उसके ऊपर हो तब क्या होगा देर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ऑर्डनरी रे इन दिस निकॉल प्रिज्म लेकिन इस रे का यानी जो कि इंसिडेंट हो रहा है उसका इस एंड सरफेस पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसका एक रिस्ट्रिक्शन है द एक्सट्रीम रे कैनॉट बी मोर देन 28 एट डिग्रीज ये हम देखेंगे इस तरह से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रे आ रहा है अनपोलराइज उसका इस एंड सरफेस यानी बी डैश पर अगर एंगल ए एम एस से कम हो या कहा जाए कि वन e -da e से भी कम हो जाए यानी इस एंगल से भी कम हो जाए तब क्या होगा कि जो रे ऑर्डनरी रे जो कनाडा बालसम पर फॉल करेगा उसका जो होगा द एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्रिटिकल एंगल से क्या होगा कम होगा और उस केस में क्या होगा द ऑर्डनरी रे विल नॉट गेट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड और वो क्या करेगा ट्रांसमिट कर जाएगा सो देर इज अ एंगल बियॉन्ड विच इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द सर्फेस एडैस विडैस देर विल बी नो इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर दिस ऑर्डनरी रे एंड द ऑर्डनरी रे विल पास सो इसके लिए ये जो एंगल है वो यानी एडैस एम एस वन से अगर कम हो जाए तब इन दैट केस देर विल बी नो इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर द ऑर्डनरी रे और हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर एडासम e एस से काफ़ी अधिक हो जाए या एडैस एम एस टू से भी बहुत बड़ा हो जाए तब क्या होगा द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रे क्या होगा दैट विल ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग इंटरनली रिफ्लेक्टेड और वो ट्रांसमिट नहीं करेगा ये किस लिए क्योंकि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे वो क्या करता है डिपेंड करता है द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द ई रे इनसाइड द क्रिस्टल यानी द ई रे का जो डायरेक्शन होगा उस पर क्या करेगा डिपेंड करेगा क्या द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ई रे द रिफ्रेक्ट इंडेक्स ऑफ डिपेंड ऑन दैरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ ईरे इनसाइड द क्रिस्टल एंड विच इज वन पॉइंट फोर एट सिक्स परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस इसका मिनिमम वैल्यू होगा एंड वन पॉइंट सिक्स फाइव एट पैरल टू ऑप्टिक एक्सिस जो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वन पॉइंट फाइव सिक्स फाइव एट इसलिए क्योंकि अलॉन्ग द ऑप्टिक एक्सिस द एक्सट्रॉनरी एंड ऑर्डनरी रे विल ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी, यानी ऑर्डनरी रे और एक्स्ट्रॉर्डनरी रे का कोई स्प्लिट नहीं होगा कहाँ पर वे इफ इट इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग द ऑप्टिक एक्सिस इन दैट केस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वन पॉइंट सिक्स फाइव एट तो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इंटरमीडिएट एंगल ऑफ प्रोपोगेशन के लिए 1.486 और 1.658 के बीच में होगा तो जैसे जैसे ये एंगल यानी ए एम एस या एम एस टू बढ़ता जाएगा तो ये क्या होगा इस ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल होता जाएगा और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वो बढ़ता जाएगा हम जानते हैं कैनाडा बल्सम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दैट इज वन पॉइंट फाइव फाइव होता है और जैसे जैसे ये एंगल ए एस एम एस टू ये बढ़ता जाएगा तो क्या होगा द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे इन दिस एंड सरफेस विल बिकम मोर एंड मोर पैरल टू द ऑप्टिक एक्सिस और इन दैट केस क्या होगा जो एक्सटर्नरी uh, रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वो बढ़ता जाएगा और 1.658 के करीब पहुंचता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बिकम मोर देन 1.55 और इस उस केस में कनाडा वाल्सम लेस ऑप्टिकली डेंस मीडियम यानी रेयर मीडियम की तरह एक्ट करने लगेगा फॉर ई रे और तब क्या होगा देर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी ई रे ट्रेवल करने लगेगा तब एक डेंसर मीडियम टू एक रेरर मीडियम पर और देर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर ई रे एज वेल और क्या होगा कि ई रे विल नॉट गेट ट्रांसमिटेड और रे भी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगा जो एक्सट्रीम जो रे होगा उसका एंगल इस तरह से होगा कि ना तो ये ऑर्डनरी रे ट्रांसमिट कर जाए और ना ही एक्स्ट्रा रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो और वो देखा गया पाया गया कि अगर एक्सट्रीम रे के बीच का एंगल लगभग 28 डिग्री का हो यानी S1 एम एस टू अगर ट्वेंटी एट डिग्री का हो यानी इसके बीच में जो भी रे आए वो इस पर फॉल करे यानी ये एंगल ट्वेंटी एट डिग्री का हो तब ये दोनों स्थिति से बचा जा सकता है यानी तब क्या होगा द ऑर्डनरी रे विल गेट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड और एक्सटर्नरी रे पास कर जाएगा और हमें एक्सटर्नरी रे मिलेगा बाहर और ये दैट विल बी प्लेन पोलराइज्ड लाइट हुज वाइब्रेशन इज़ पैरल टू द प्रिंसिपल सेक्शन अब हम देखेंगे कि निकोल uh, प्रिज्म को हम लोग किस तरह से एज एन एनालाइजर भी यूज़ कर सकते हैं अभी तो हमने देखा किस तरह से हम इसको एज ए पोलराइजर या uh, किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं इसके थ्रू इसको यूज करके प्लेन पोलराइज लाइट अब हम देखेंगे कि इसको यूज करके किस तरह से हम उसका एनालाइज भी कर सकते हैं सपोज एक प्लेन पोलराइज लाइट एक निकोल प्रिजम पर इस तरह से फॉल करे कि उस प्लेन पोलराइज लाइट का जो वाइब्रेशन uh, का एम्प्लीट्यूड है वो प्रिंसिपल सेक्शन से एंगल थीटा बनाता हो थीटा इज द एंगल ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द्लेन पोलराइज लाइट विद दिंसिपल सेक्शन यानी प्लेन पोलराइज लाइट का वाइब्रेशन जो है थेटा एंगल बनाता है किसके साथ इस प्रिंसिपल सेक्शन के साथ तब इस वाइब्रेशन uh, को हम लोग दो में रिजॉल्व कर सकते हैं ए कॉस थीटा विच इज पैरल टू प्रिंसिपल सेक्शन और ए साइन थीटा विच इज पेंडिकुलर टू प्रिंसिपल सेक्शन हम जानते सेक्शन e uh, और जो ओ रे होता है दट इज परुलर टू वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल सेक्शन तब क्या होगा जो भी कंपोनेंट ए साइन थीटा है uh, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल सेक्शन होगा वो ओ ए की तरह बिहेव करेगा और वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होके वो उस एनालाइजर uh, से या उस निकोल प्रिज्म से बाहर नहीं आ पाएगा तब क्या बचा हमारे पास जो कंपोनेंट है ए कॉस थीटा बचा ए थीटा अब अगर इस ए थीटा के को अगर हम एक्सिस मानकर अगर हम इसको निकोल प्रिज्म को रोटेट करें तब क्या होगा देर विल बी चेंज इन थीटा एंड वेन थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री दट इज द एंगल ऑफ वाइब्रेशन इज पैरल टू द प्रिंसिपल सेक्शन तब क्या होगा द इंटेंसिटी या कहा जाए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम uh, होगा वो ए हो जाएगा और uh, जब हम देखेंगे निकोल प्रिज्म से तब देर विल बी द ब्राइटेस्ट लाइट हमें मिलेगा जैसे जैसे थीटा चेंज होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा द एंगल चेंजेस एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा ग्रेजुअली क्या होगा द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल गेट रिड्यूस्ड एंड एट एन एंगल थीटा इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तब क्या हो जाएगा देंगे विल बी दाइब्रेशन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल सेक्शन और देर विल भी नो लाइट गेटिंग आउट ऑफ द निकोल प्रिजम इस केस में क्या होगा द लाइट कुछ भी बाहर नहीं आ पाएगा एंड तब दो पॉइंट ऐसा मिलेगा एक पॉइंट जहां पर लाइट ब्राइटेस्ट हो थीटा जीरो डिग्री हो और एक पॉइंट क्या हो जहां पर थीटा नाइन्टी डिग्री हो और देर विल बी नो लाइट कमिंग आउट ऑफ दिस प्रिज्म यानी एक जगह पर ब्राइट हुआ ग्रेजुअली धीरे 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 वो लाइट का इंटेंसिटी कम होता गया फिर वो एकदम ही खत्म हो गया और फिर दोबारा जब रोटेट करेंगे फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा फिर जब एंगल जीरो डिग्री हो जाएगा तब वो ब्राइटेस्ट होगा और अगर इंसिडेंट लाइट अनपोलराइज हो तो उस लाइट को हम लोग पैरल कंपोनेंट ऑफ द प्रिंसिपल सेक्शन एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द प्रिंसिपल सेक्शन पे क्या कर सकते हैं रिजोल्व कर सकते हैं और जो परपेंडिकुलर होगा वो निकोल प्रिज्म से पार नहीं करेगा और जो वाइब्रेशन पैरल होगा वो पार करेगा और इन दिस दिस केस अगर अनपोलराइज लाइट है तो निकोल प्रिज्म को घुमाने के बावजूद चूंकि पैरल जो है वो पार कर ही रहा है सो देर विल बी नो चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इन द केस ऑफ अन पोलराइज लाइट बट फॉर द केस ऑफ पोलराइज लाइट द इंटेंसिटी विल चेंज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम एंड देन बैक टू मैक्सिमम अब इसका यूज है हम निकोल निकोलप्रिज्म को एज एनालाइजर यूज कर सकते हैं देखते हैं कैसे यूज uh, ऑफ uh, निकोल निकोलप्रिज्म निकोल प्रिजम कैन भी यूज एज बोस बोथ एज अ पोलराइजर एज वेल एज एनलाइजर पोलराइजर मतलब जिससे हम कि पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करते हैं analyze एनलाइज मतलब एनालाइजर मतलब उसके हम देखते हैं क्या लाइट में हो रहा है उस पोलराइज लाइट में तो देट इज़ यूज एज एनलाइजर तो यहाँ पर दो निकॉल हैं एक पी वन और एक ए वन पी वन को हम लोग एज पोलराइजर कहेंगे और ए वन विल एक्ट एज analyzer। तो इस स्थिति पर क्या है कि पी वन और ए वन दोनों का जो प्रिंसिपल सेक्शन है पैरेलल है और इस स्थिति में क्या है कि जो इंसिडेंट अनपोलराइज लाइट आया वो दो भाग में बटा ई e रे और ओ रे में ओ रे क्या हुआ टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो गया और वो इधर से चला गया या यहाँ पर एब्जॉर्व हो गया और ई रे ट्रांसमिट किया इस पहले वाले निकॉल P1 से जो कि पोलराइजर है और ये दूसरे वाले निकॉल के अंदर इंसिडेंट हुआ और चूंकि ई रे का वाइब्रेशन है दैट इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल सेक्शन और इन द प्रिंसिपल सेक्शन और ओ रे का परपेंडिकुलर है तो ये ट्रांसमिट किया और चूंकि इस स्थिति पर भी दोनों आ, जो आ, 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 प्रिंसिपल सेक्शन है दोनों आपस में यानी P1 और A1 दोनों का जो प्रिंसिपल सेक्शन है पैरेलल है तो इस स्थिति पर भी जो ई e रे आया दैट इज उसका वाइब्रेशन पैरेलल टू द प्रिंसिपल सेक्शन है या फिर उस प्रिंसिपल uh, सेक्शन के प्लेन पर है तब क्या होगा विल विल ई रे आल्सो ट्रांसमिट फ्रॉम निकॉल विच इज एनालाइजर एज वेल तो इस परिस्थिति या इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं पैरल निकॉल कहते हैं पैरल निकॉल मतलब जहां पर दोनों पोलराइजर uh, और एनालाइजर दोनों का जो प्रिंसिपल सेक्शन है वो आपस में पैरल हो और ई रे एनालाइजर से भी फ्रीली क्या करे, ट्रांसमिट करे या पास करे अब धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर हम इस प्रिज्म जो एनालाइजर है उस प्रिज्म को अगर हम रोटेट करते जाएं, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट धीरे धीरे क्या होगा कम होगा और एक ऐसा स्थिति आएगा जबकि देर विल बी नो लाइट कमिंग आउट ऑफ द एनालाइजर यानी एनालाइजर से कोई भी लाइट बाहर नहीं आएगा और वो कब होगा जब एनालाइजर का जो प्रिंसिपल सेक्शन होगा वो वाइजर के प्रिंसिपल सेक्शन से राइट एंगल या म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए यानी इस स्थिति में जो P1 का प्रिंसिपल सेक्शन है वो A1 के प्रिंसिपल सेक्शन से 90 डिग्री एंगल पर है या कहा जाए A1 पी uh, P1 से 90 डिग्री यानी दोनों म्यूचुअली 90 डिग्री पर है इस स्थिति में क्या होगा पहले वाले जो निकॉल है उससे तो E रे पास कर जाएगा और O रे क्या होगा इंटरनल रिफ्लेक्ट करके खत्म हो गया और यहाँ जर हो गया खत्म हो गया यहाँ से E रे निकला और E रे यहाँ पर आने के बाद क्या होगा चूंकि ई रे का वाइब्रेशन प्रिंसिपल सेक्शन से पैरल में है इस पहले वाले निकॉल के लिए तो यहाँ पर आया पर दूसरा वाला जो निकॉल है दट इज ए वन जर्नलाइजर है उसका प्रिंसिपल सेक्शन पहले वाले के प्रिंसिपल सेक्शन से 90 डिग्री पर है यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ई रे के लिए इसका जो प्रिंसिपल सेक्शन है ए वन का वो परपेंडिकुलर है यानी ई रे इस ए वन के लिए फिर एज ए ओ रे बिहेव करने लगेगा और वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा किस स्थिति पर जब ए वन और पी वन आपस में नाइन्टी डिग्री का कौन बनाता हो या 90 डिग्री का एंगल बनाता हो और इस स्थिति में देर विल बी नो लाइट कोई भी लाइट बाहर नहीं आएगा और देर विल बी टोटली डार्क अगर इस तरफ से तो देखें तो टोटली डार्क रहेगा और ये जो स्थिति है इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस्ड निकल यानी पैदल निकल में क्या होगा ब्राइटेस्ट होगा क्रॉस निकल में क्या होगा देर विल बी नो लाइट और इंटरमीडिएट एंगल के लिए द इंटेंसिटी विल बी इंटरमीडिएट